एडीजी मुख्यालय से एक लेटर जारी किया गया था, जिसके बाद जो है विवाद शुरू हो गया था। इस लेटर में क्या लिखा गया था वो थोड़ा मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं कि अगर आप धरना प्रदर्शन या किसी भी सरकारी संपत्ति को आग लगाते हैं, अपनी मांगों को लेकर अगर प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आपका जो भी प्रक्रिया होगा, कानूनी कार्रवाई के तहत अगर कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसमें जेल भी जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं दसडी न्यूज़। तो उसके बाद जो है, और विवाद इतना बढ़ गया इस लेटर के माध्यम से कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इस खबर को लेकर सुर्खियां बटोर रही थी। उसके बाद जो है आज सरदार पटेल भवन जो पुलिस मुख्यालय है उसमें ज्वाइंट पीसी करना पड़ा। गृह सचिव, एडीजी और डीजीपी तीनों एक साथ पत्रकारों को बुलाकर उन्होंने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता करके इसकी पूरी स्पष्ट तौर पे जानकारी उन्होंने दिया है। और एडीजी और डीजीपी और गृह सचिव अमीर सुभानी ने इस पर पूरी प्रमुखता से पत्रकारों से बात किया है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है इस लेटर में लिखा हुआ। अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या पहले से वो कोई क्रिमिनल्स उसके रिकॉर्ड्स रहेंगे या कोई भी उसके बाद अगर वो प्रदर्शन में शामिल है या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कब? जब थाने के द्वारा नामजद होगा, उसके बाद जांच होगी और उसके लेवल पर जांच करने के बाद वो दोषी पाए जाने के बाद उस पर ये कार्रवाई की जाएगी। तब यानी इसको लेकर एक और बात मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं कि उन्होंने सरकारी नौकरी में अगर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाने के द्वारा जो मांगा जाता है वो यानी एसपी डीएसपी के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनते हैं सर्विस यानी नौकरी के दौरान कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो जरूरत पड़ती है उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस पर जांच होगी, अगर वो दोषी होगा तभी उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर ये दिक्कतें आएंगी। जिसको लेकर गृह सचिव ने क्या कुछ कहा है इस पर जरा उनकी बातों को गौर सुनिएगा। आमिर सुभानी ने इस बातों को स्पष्ट तौर पे बताया है और एडीजी जो जितेंद्र कुमार है उन्होंने क्या कुछ कहा है। तीनों लोगों के बयान को आप गौर से सुनिएगा और जो डीजीपी हैं इसके सिंघम उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर जरा गौर से सुनिए। यानी तीनों लोगों के जो ज्वाइंट पीसी हुए हैं इस मामले पर जिस तरह से ये सुर्खियां बटोरा गया इस खबर को लेकर और इस लेटर के बाद जो है सियासत भी हुई है। यानी कह सकते हैं चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने क्या कुछ कहा है और सांसद जो हैं चिराग पासवान और इस पर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था। चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया सेम और यानी तेजस्वी यादव ने भी इस चीज़ों को प्रमुखता से अपने ट्विटर हैंडल से सरकार को जगाने के लिए ये ट्वीट किया है। तो तीनों लोगों की ज़रा आप बातों को गौर से सुनिए, एडीजी साहब को और डीजीपी साहब को और गृह सचिव अमीर सुभानी की तीनों को बातों को गौर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आवश्यक है 2006 में ये रखा गया था कि जो भी कोई सरकारी नौकरी करेंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। फिर 2020 में जुलाई 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 18798/2017 अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्देश दिए गए जिनके बारे में हमने आपको अपने प्रेस नोट में भी रखा है, आप उस पर जो है पूरा विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले ही चरित्र सत्यापन करा लेना आवश्यक है। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होना है पूर्व चरित्र सत्यापन ये ज्वाइनिंग से पहले ही पूर्ण करा लेना है, यानी कि एक टाइम बाउंड मैनर में हमें चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस को उपलब्ध करा देना है उन अभ्यर्थियों को जो नौकरी के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं। इसीलिए ये आदेश जो पुलिस मुख्यालय से निर्गत हुआ जो
ये टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराना है और ठेके आदि में भी जो है अनिवार्यता रखी गई है, इसीलिए जो है एक टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया गया, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको अनावश्यक विलंब ना हो और उनको ससमय ये सत्यापन प्रतिवेदन मिल जाए। ये इस बारे में मैं और जो है स्पष्ट कर दूं कि हमारे पुलिस मैनुअल में पहले से ही प्रावधान चला आ रहा है कि सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी। जैसे पुलिस हस्तक का नियम है 92, जो नियोजनार्थियों के चरित्र सत्यापन का प्रावधान इसमें रखा गया है कि कैसे किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। उसी के साथ जो है 1985 में पुलिस ऑर्डर 844 और 845। भाई FIR करने से हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, FIR में हम किसी के नाम देने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो पुलिस का अनुसंधान है वो स्टार्ट ही FIR के बाद होता है ना, वही तो सत्यापन किया जाता है, उसी के खिलाफ तो एविडेंस होता है कि किसके खिलाफ एविडेंस मिला नहीं मिला, या जो नाम दिए गए हैं वो किस हद तक सही हैं किस हद तक गलत हैं। यही अनुसंधान का जो बुनियादी जो ढांचा है वो इसी चीज़ पर आधारित है। तो मेरा ये कहना है कि मात्र FIR में नाम पढ़ने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है, मात्र अगर नॉन FIR एक्यूज भी वो आदमी बनता है, जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में आरोप पत्र समर्पित करने लायक एविडेंस नहीं है, तब तक पुलिस आरोप पत्र समर्पित नहीं करती है। और एक बात और आपको मैं जोड़ देता हूँ कि पुलिस का जो अनुसंधान का पूरा जो प्रक्रिया है, वो भी पुलिस अपना अनुसंधान पूर्ण करने के बाद जो सक्षम न्यायालय है उसी के समक्ष अपनी रिपोर्ट समर्पित करती है। रिपोर्ट को सक्षम न्यायालय मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, फर्दर अनुसंधान भी करा सकता है, तो वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने यही चीज़ कर रहा हूँ कि जब तक कोई भी व्यक्ति आपराधिक कृत्य में सम्मिलित नहीं होगा और आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होने के लायक उसके खिलाफ एविडेंस नहीं आ जाएगा और उसको आरोप पत्र नहीं किया जाएगा, तब तक किसी के चरित्र सत्यापन के दौरान प्रविष्टि नहीं की जाएगी। ये मैं क्लैरिफाई करने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, मुकाबला किया है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जहाँ तक रुपेश मर्डर केस की बात है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सीनियर SP पटना ने इस केस के हर एस्पेक्ट का, इन्वेस्टिगेशन के हर एस्पेक्ट का बहुत डिटेल में एक एक चीज़ का उत्तर दे दिया है। इस वक्त इससे अतिरिक्त जो है वो हमें कुछ नहीं कहना है। जिन अलग अलग पॉइंट्स की चर्चा हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया में, उनमें से एक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि वो आपसे जुड़ी हुई है। आपने कहा था जो इन्वेस्टिगेशन है, आपको पता है कि वो बहुत सारे बिंदुओं में चल रहा था, तो जो जो समय पर जो जो चीज़ हम लोगों के पास आपसे शेयर करने के लायक थी, हम लोगों ने वो चीज़ आपसे शेयर की। इसके अतिरिक्त जो है अभी और कुछ हमारे पास आपसे शेयर करने को नहीं है। कुछ आदेश निर्गत किए गए हैं, उनकी व्याख्या आपके समक्ष करनी है। पहला आदेश जो गृह विभाग ने निर्गत किया है वो 25 जनवरी 2021 का है, इसका लेटर नंबर है 29, 25 जनवरी का, और इसका विषय है विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा या ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में। यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो ठेका देते हैं टेंडर करके कोई काम अलॉट करते हैं, तो काम लेने वाले व्यक्ति को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, क्योंकि वर्क्स डिपार्टमेंट में भी टेंडर होता है, सड़क निर्माण का, सिंचाई परियोजना का, बिजली परियोजना का, पुल का, बांध का, तो उसमें पहले से भी PWD कोड में प्रावधान था कि जो टेंडर लेंगे तो उनको पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। ये पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको दोबारा रिव्यू किया गया है और ये देखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति टेंडर न ले जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हो। साथ ही एक और शर्त लगाई गई है
कि अगर टेंडर लेने के बाद कोई ऐसा काम कर रहे हैं वो आदमी या कंपनी जिसको टेंडर मिला है जिसमें पब्लिक कॉन्टैक्ट है, आम जनता से उसमें हर वक्त व्यवहार हो रहा है, उदाहरण स्वरूप मिसाल के तौर पर बस स्टैंड का ठेका लेते हैं, हाट बाजार का लेते हैं, नाव घाट का लेते हैं, पार्किंग स्थल का लेते हैं, तो वहाँ ये है कि जिसने ठेका लिया उसको तो करेक्टिव सर्टिफिकेट लेना ही होगा, वो तो हो गई बात, प्रावधान है, लेकिन वो जो स्टाफ लगाएंगे जो पार्किंग का टिकट काट रहे हैं या बसों से कोई शुल्क ले रहे हैं या नाव से शुल्क ले रहे हैं, जो भी सरकार के कानून में लेना है और उसके लिए उन्होंने प्राइवेट आदमी अपने रखे हैं ठेकेदार ने, तो उन प्राइवेट लोगों का भी करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, स्वच्छ होने चाहिए, उसमें भी ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति खुद तो स्वच्छ हो लेकिन जो अपना स्टाफ लगाए उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स को लगाए, गुंडे बदमाश को लगाए, रंगदारी करने वाले को लगाए, ऐसे लोग हों जो चार्जशीटेड हों या सजा याफ्ता हों उनको लगाए, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा, इसकी अनुमति नहीं होगी, और उसको ये आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा कि अपने स्टाफ को भी करेक्टर सर्टिफिकेट वो पुलिस से दिलवाए और साथ ही अपने स्टाफ को एक पहचान पत्र भी दे ताकि मालूम हो कि ये उसका ऑथराइज आदमी है, ऑथराइज स्टाफ है, ये पहचान पत्र देने की जिम्मेवारी वो जो है वो उस ठेकेदार की होगी जिसने टेंडर लिया है। तो ये निर्देश था 25 जनवरी 2021 के, तभी उनको टेंडर पर काम मिलेगा। ये व्यवस्था पहले से भी थी लेकिन इसको दोबारा दोहराया भी गया है, इसमें कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। एक तो ये जोड़ा गया है कि अगर किसी ने टेंडर लिया, किसी कंपनी ने, किसी ठेकेदार ने, और टेंडर की शर्तों के अधीन वो उस काम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता है, काम का कोई एक हिस्सा वो दूसरे किसी को दे सकता है, किसी दूसरी फर्म को या व्यक्ति को, तो अगर ये उसमें अलाउड है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा, ये प्रावधान किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो अपराधी तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, वो सरकारी ठेका और टेंडर लेने से वर्जित हो जाएं, बैंड हो जाएं।